नमस्कार प्रिय बच्चों। बेटा, आज हम व्याकरण का एक नवीन अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूर्व में भी आपने व्याकरण का ही एक अध्याय पद परिचय पढ़ा था। आज हम वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य शब्द का साक्षात्कार मुझे लगता है आपका ये पहला अनुभव होगा जब आप वाच्य शब्द सुन रहे हैं। बेटा, वाच्य व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। ये वाच्य शब्द का तात्पर्य जो होता है, क्योंकि शब्द में ही या कहें कि शीर्षक में ही बहुत कुछ छुपा होता है, तो जो वाच्य शब्द है, वाच्य शब्द का जो तात्पर्य है वो है, ये देखिए, वाच्य का अर्थ ही होता है बोलने का विषय, कि बोलने का जो विषय है उसे हम वाच्य कहेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया मतलब कार्य को करना, उसके जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय, कौन कौन हो सकते हैं विधान का विषय बताइए। बिल्कुल सही, कर्ता, कर्म या भाव, कर्तारी, कर्माणी और भावे, तीन प्रयोग हम देखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जो क्रिया है, जिसके क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता लग जाए कि उसके द्वारा जो विधान किया गया है उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसी को हम क्या कहेंगे। बिल्कुल सही, वाच्य, उसको कहेंगे हम वाच्य। तो इस प्रकार से एक बार पुनः, वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसको हम वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार, क्रिया मतलब कार्य को करना, ये आपको पता ही है, क्रिया मतलब एक्शन जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से आपको ये ज्ञात हो जाए कि उसके प्रयोग का आधार कर्म है, कर्ता है या भाव है, उसी को वाच्य कहते हैं। वाच्य में, वाच्य के जो वाच्य है उसके भेद हिंदी में, वाच्य के भेद हिंदी में तीन माने गए हैं। क्रिया के जिस रूपांतरण को, क्रिया के उस रूपांतरण को हम वाच्य कहेंगे जिससे ज्ञात हो जाएगा कि वाक्य में क्रिया जो है कर्ता के साथ है, कर्म के साथ है या फिर इन दोनों में से किसी के साथ न होकर केवल क्रिया या क्रिया के कार्य व्यापार में भाव की प्रधानता है। तो एक उदाहरण देखिए इधर, कि राधा पत्र लिखती है, कर्ता के अनुसार हो गया। राधा पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है, पत्र क्या है यहाँ, कर्म है, तो ये कर्म के अनुसार क्रिया हो गई। तुमसे लिखा नहीं जाता, ये भाव के अनुसार क्रिया हो गई। तो तीन चीज हमने देखी। देखिए, राधा पत्र लिखती है, क्रिया जो है वो हो गई कर्ता के अनुसार। दूसरे में क्रिया हो गई राधा पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है, तो ये जो द्वारा है, ये द्वारा, ये देखिए जो द्वारा है ना, द्वारा, ये द्वारा बता रहा है कर्म के अनुसार क्रिया हो गई है। फिर तुमसे लिखा नहीं जाता है, ये चीज भाव के अनुसार हो गई है। तो कहने का मतलब, कर्ता, कर्म या भाव, इनमें से क्रिया के व्यापार का जो विषय क्या है उसी के आधार पर हम उसे जो है कृतवाच्य, कृतणी, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य में विभाजित करते हैं। प्रथम वाक्य में लिखना क्रिया का संबंध कर्ता यानी राधा से है। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो आपने ये पहला वाक्य देखा, राधा पत्र लिखती है, इसमें क्रिया का जो संबंध है, क्रिया क्या है, लिखना, इसका संबंध कर्ता यानी राधा से है। दूसरे वाक्य में कर्म प्रधान है, कर्म क्या है यहाँ पे, पत्र उद्देश्य के स्थान पर आया और इसी की प्रधानता है। फिर तीसरा वाक्य हम देखते हैं, ये देखिए, तुमसे लिखा नहीं जाता, तो वाक्य में क्रिया का संबंध न तो कर्ता से है और न कर्म से है, ना यहाँ कर्ता की प्रधानता है ना कर्म की प्रधानता है, अपितु संबंध किससे है, लिखा नहीं जाता, भाव यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गया है। ये देखिए, भाव महत्वपूर्ण हो गया है यहाँ पे, भाव महत्वपूर्ण हो गया है। तो इस प्रकार वाच्य में तीन की प्रधानता हो गई, हमने देखा।
पहली प्रधानता हमने देखी कर्ता की, दूसरी प्रधानता हमने देखी यहाँ पे कर्म की, और तीसरी प्रधानता हमने देखी भाव की। इसको इस प्रकार समझेंगे, माधव क्रिकेट खेलता है, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है। माधव क्रिकेट खेलता है, माधव करता है क्रिया खेलना, कर्ता के अनुसार हो गई। अब दूसरा, माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो क्रिया जो है कर्म, ये है कर्म, इसके अनुसार क्रिया हो गई, खेला जाता है, ठीक है। तीसरा है आपके पास, माधव से क्रिकेट खेला जाता है, तो क्रिया जो है वो भाव के अनुसार हो गई, से खेला जाता है तो क्रिया भाव के अनुसार हो गई। तो इस प्रकार से इसे समझने का प्रयास करिए वापस से, कि वाच्य बोलने का विषय है, क्रिया के जिस रूप से हमें ये ज्ञात हुए कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहेंगे। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से हमें ये ज्ञात हो जाए कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव हो, उसे वाच्य कह देंगे। हिंदी में जो वाच्य है उसके तीन भेद माने गए हैं, और क्रिया के रूपांतरण को ही एक प्रकार से हम वाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर वाच्य को समझने के लिए क्रिया का वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव से संबंध हमें देखना होगा। इसी संबंध के आधार पर हम वाच्य को समझ पाएंगे। धन्यवाद।